अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि राहुल का ये दौरा आखिर क्यों अहम है और कितना अहम है। चुनाव से पहले गांधी परिवार के किसी मेंबर का पहला उत्तराखंड ये दौरा है। आज से राहुल करेंगे प्रदेश में चुनावी शंखनाद का आगाज। रैली को सफल बनाने के लिए पीसीसी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने 50,000 लोगों के जुटने का दावा किया है। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और हर वार्ड से लोगों के आने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हर वार्ड से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और जो भी प्रतिनिधि वहां पर हैं कांग्रेस के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप पर ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से अपने वार्ड से बड़ी संख्या में लोगों को आप लेकर के आइए। और वहीं हरीश रावत ने भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर ट्वीट किया है। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। हरीश रावत ने लिखा है कि आवा आवा केदार भक्त राहुल भैजी आवा। अब ये कुमाऊनी में उन्होंने ये बात कही है। परिवर्तन के प्रतीक पुरुष आवा, उन्होंने कहा कि परिवर्तन के प्रतीक पुरुष है राहुल गांधी। उनके आने पर वो उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल भैजी आला जय बाबा केदार, ये हैशटैग दिया है। एक हैशटैग है राहुल भैजी आला और दूसरा हैशटैग है जय बाबा केदार, और साथ में उत्तराखंड को भी टैग किया, देहरादून कांग्रेस राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस बेहद उत्साहित है। हरीश रावत जो कि वहां पर लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए वो भी बेहद उत्साहित हैं राहुल गांधी को अपने बीच में आज हो पाएंगे। अब राहुल का ये दौरा कितना अहम है, कितना खास है, क्या तैयारी वहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने की है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं, सीधे रवि के पास आपको ले चलते हैं। रवि, कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि भव्य रैली होगी, विजय सम्मान का नाम भी इसको दिया गया है। कैसी तैयारी उत्तराखंड कांग्रेस की, बताइए भी और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी। इस वक्त परेड ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को आना है, जनसभा को वो संबोधित करेंगे और एक जो आज की उनकी जनसभा है उसको उत्तराखंड विजय सम्मान रैली का नाम दिया गया है। इसी मंच से राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 11 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है, लेकिन करीब करीब माना जा रहा है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच राहुल गांधी यहाँ पहुंच सकते हैं। अभी सुबह से ही लोगों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और जो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम लोगों को भी आज जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि वो यहाँ पर जो राहुल गांधी की जो जनसभा है उसको भव्य बनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और इस जनसभा को भव्य बना सकें। विजय सम्मान रैली है, तमाम जितने भी जो शहीद परिवार जनों के परिजन हैं उन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और इन तमाम के साथ ही साथ जो CDS बिपिन रावत, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो शहीद के परिवारजन है उनको सम्मानित आज यहाँ पर किया जाएगा। ये चुनावी रैली है, चुनाव है, 2 महीने से कम समय अब उत्तराखंड में बचा हुआ है और ऐसे में ये एक चुनावी रैली भी पूरी तरीके से होगी और कांग्रेस अपना पूरा दमखम भी इस रैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेगी। दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और उससे विशाल जनसभा आज राहुल गांधी करने वाले हैं। देखिए, लोग पहुंच गए हैं सुबह सुबह। कहाँ से आए हैं आप? खटीमा से। खटीमा से आए हैं, राहुल जी को सुनने आए हैं, कितनी उम्मीद है आप प्रदेश के लिए? बहुत उम्मीद है उनसे, जो कांग्रेस सरकार करेगी कोई नहीं कर सकता, वही करेंगे आके दोबारा और ये महंगाई से हर चीज से हमें छुटकारा मिलेगा। क्या नाम है आपका आज के जो राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं, कितनी उम्मीदें लग रही हैं रैली से और कितने बजे पहुँच गए थे आप? हम लोग खटीमा से आए हैं, मेरा नाम लीला चंद है और हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत अच्छा करेंगे। इस बार अब चुनाव है, बेहद करीब भी चुनाव है, जो चुनाव बेहद करीब है इसीलिए हम लोगों ने विजय सम्मान रैली कर रहे हैं। इसमें जो भीड़ आ रही है वो कोई किराए की भीड़ नहीं आ रही, अपने मन से और तन मन धन से आ रही है यहाँ पर और हम इसको सफल बनाएंगे। आप लोग कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। हम चाहते हैं बार बार ऐसी सभा होनी चाहिए और हमने इनको मुंह की खाएगी बीजेपी। देखिए दीपा, ये तमाम लोग राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, कांग्रेस के प्रशंसक हैं, इनका कहना है कि इस तरीके की रैली